5 4 3, ये लास्ट सेकंड में चेक करना, 3 2 1, और ये लो, लास्ट कंफर्म था ना यार, इसने लास्ट सेकंड में ये हरकत करनी ही करनी है। ये देखो इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो चुकी है, ठीक है, दैट्स इट, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ली थी। एएसएन पे काम कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहा, ओके जी। आप देखो वहां पे कोई पैटर्न वर्क कर रहा, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कोई दो रेड दो ग्रीन तो नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क कर रहा। फिर देखो 3 ग्रीन 3 रेड तो नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क कर रहा। फिर देखो कोई बुलिशिंग। तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो है अल स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि क्यूटेक्स के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है हम आज इस वीडियो के अंदर वो स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों रियल मार्केट है, साथ ही ओटीसी में जो रियल मार्केट में ट्रेड मिलेगी वो भी लेंगे, और ओटीसी में जो ट्रेड मिलेगी वो भी लेंगे। उनके पीछे क्या रीजन है वो भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। पेंडिंग पार्टी की स्पॉट रेजिस्टेंस कोई भी पैटर्न बनेगा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। एक बड़े अक्लमंद और जाहिल इंसान ने 2 दिन से कमेंट कर रहा है और मुझे मैसेज किया कर रहा है कमेंट में कि यार ये जो बंदा है ना, ये हमें पहले कह रहा था ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी और ये खुद ओटीसी में ट्रेड कर रहा है। अबे भाई, उसको बोलो कि वो जाहिल इंसान तो नहीं है, थोड़ा सा पागल तो नहीं है। अगर मैं वीडियो देख रहा तो सिर्फ मेरी बात गौर से सुनना। मैंने तुम लोगों को मना किया यार ओटीसी के अंदर ट्रेड मत करना, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। मैंने इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई है कि यार अगर ओटीसी में ट्रेड करनी है तो इस टाइप से करनी है, इस दिन नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वो बड़ा ना मुझे ना कमेंट में उल्टा सीधा बोल रहा था। उस जाहिल को मैं ये बता दूं कि मेरा भाई, यहां से मेरा कोई फायदा नहीं है, ना मैं तुमसे पैसे लेता हूं, ना मैं तुम्हें कोई कोर्स बेचता हूं, ना मुझे तुम लोगों से लालच है। मैं कहता हूं कि मेरी आवाम, जिन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, वो बंदे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। अच्छा ना, मैं दोस्तों आप मेरी फैमिली मेरे भाई हो, लेकिन कुछ इस तरह के लोग जो है ना, जिन लोगों के साथ ना लोग चूना लगा के चले जाए, इनके साथ स्कैम करके चले जाए, इनको वो पसंद है। कोई बंदा इनके साथ रियल काम कर रहा है तो वो इनको जरा भी पसंद नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप लोगों में फर्क नहीं किया कि यार मैं कहता हूँ यार जहाँ पे अली भाई कमा रहे हैं वहां पे आप लोग भी कमा लो। मैंने हमेशा आप लोगों को फैमिली समझा, लेकिन कुछ उस तरह के लोग आते हैं बेवकूफ, जो कमेंट करके ना दिल तोड़ देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं इन लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, ओटीसी में कर रहा हूँ, रियल मार्केट में कर रहा हूँ, लॉस दिखा रहा हूँ, अपना सब कुछ दिखा रहा हूँ, सब सच कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि यार जरा दिल तोड़ देते हैं। और मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को आप लोगों ने ही जवाब देना। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, और मैं उसे बता दूँ कि यार देखो ओटीसी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ओटीसी के अंदर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं अली भाई हमें नहीं पता, हम ओटीसी में भी ट्रेड करते हैं, तो मैं उसके साथ भी वीडियो ले आता हूँ, वरना रियल मार्केट में मेरे लिए ट्रेड लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहरहाल यार ये मैं स्ट्रेटजी जो बताता हूँ, ये आप हर एक मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे बाइनरी ऑप्शन में करते हो, चाहे क्रिप्टो, किसी में भी कर सकते हो। सेम यही एनालाइजिंग होती है, ठीक है। आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस भी काम करते हैं, बिटकॉइन स्पॉट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा होता है वो बता रहे होते हैं, जो लोग बेहतर ट्रेड करते हैं वो अपनी आगाह दे रहे होते हैं भाई यहाँ से स्पॉट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये इनको पता ही नहीं स्पॉट रेजिस्टेंस की पावर का, इनको पता ही नहीं है पैटर्न का, बस आ जाते हैं मुंह उठा के नीचे कमेंट करने आ जाते हैं, दिल तोड़ के हाथ में पकड़ा देते हैं। चलो कोई ना, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी यार मेरे लिए आप बेहतर हो, ठीक है, मेरे लिए सब काबिले तराम। बाकी ऐसे लोगों को खुद आप संभाला करो यार, दिल टूट जाता है, ठीक है जी। हम इस मार्केट के अंदर अपनी मुकम्मल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यानी कि आल स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो भी दिखाऊंगा, ठीक है। आल स्ट्रेटजी यानी कि कोई भी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके बाद कोई पैटर्न है, किस वजह से मार्केट बढ़ रही है, कैंडल किस वजह से बढ़ रही है, टोटली चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये आप लोग जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। अभी मेरे पास यूरो जेपीवाई रियल मार्केट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एनालाइज करना है कि यार देखो सबसे पहले हम देखेंगे रियल मार्केट के अंदर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा एक स्पोर्ट, ठीक है, ये स्पोर्ट रहा, और यहीं पर ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहा। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसके बीच में एनालाइज करेंगे, मार्केट नीचे आती है फिर वापस ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है, वापस नीचे आती है, ये रीटेस्ट कैंडल रेड वाली ऊपर ही क्लोज हुई है, बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल ओपन होती है, उसके बाद एक ग्रीन रेड दो रेड ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट हम डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4, ये ज़्यादा ही लगी क्या, दो दूसरी किधर लगी है, ठीक है, 3 ही लगी हैं। ओ भाई साहब ये क्या ही करूं, कहाँ पे लगी हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 एंट्रियाँ हमारी लग चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री ली है ये आप सबको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक नीचे स्पोर्ट है,
ठीक है, मार्केट क्या कर रही है जरा गौर कीजिएगा, यहां से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट दिया, ठीक है, रिस्पेक्ट दिया, वापस मार्केट ऊपर गई है और अब वापस आ रही है नीचे, ऐसे ही है। अब यहां से या तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करने जाएगी या तोड़ने जाएगी, अगर ये हमारी किसी वजह से लॉस होती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड भी डाउन डायरेक्शन की 110% लेंगे, 110%, ठीक है, अगर ये किसी वजह से लॉस होती है सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोबारा ट्रेड लेनी है रेडी 3-2, यहाँ पे तकरीबन हम दोबारा ले रहे हैं एंट्री हैं, ज़्यादा लेनी है, ठीक है। अब ये नखरा भी करेगी यहाँ पे, एक तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, इसको समझ लें, ठीक है, एक तो इसको समझ लें, ये दूसरी वही लॉस हुई है या प्रॉफिट हुई है, लॉस ही लग रही है क्योंकि लास्ट सेकंड में नीचे ही है। देखें यहाँ पे एक तो पेंडिंग पार्टी हुई है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुई है, इसकी पेंडिंग पार्टी, हाँ जी लॉस हो गई है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, देखो ये पहला लॉस हुआ, ये भी आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो ये लॉस काट के प्रॉफिट भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे ना तुम लोगों से लालच है और ना ही मैंने तुम लोगों से कुछ लेना है, ना लेना ना देना, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ कि यार आप लोग भी प्रॉफिट करो। हाँ जो लोग तुम्हें प्रॉफिट ही दिखाते हैं तो भाई उसके दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है भाई आपकी लॉसेस भी साथ ही होती हैं, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखाने का, मैं रियलिटी दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपनी फैमिली माना है तो हाँ भाई फैमिली की तरह मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी रहता हूँ, बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं बस ठीक है होता है। अच्छा जी यहाँ पे हमारी एक ट्रेड लॉस हुई थी, लेकिन कन्फर्म कैसे था मुझे, एक तो यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी थी, दूसरा यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट था जिस वजह से मैंने दोबारा एंट्री है बगैर सोचे समझे दस्ती अप्लाई की है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो गई। दैट्स इट, सिंपल है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें फॉलो कर लो, ठीक है, अब देखो अगर आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हो जरूरी नहीं है आपने उसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब साथ हमें कंफर्मेशन मिल गई थी यार पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, दूसरा हमारे पास था यार नीचे एक सपोर्ट है मार्केट ने आना है, अब यहाँ पे देखो 1-2 रिटेस्ट, ये तीसरा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अभी यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लेनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50 की एक ही लूँगा, बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का वापस आना थोड़ा सा हो सकता है लेकिन इस कैंडल के बाद, ठीक है, वेट करना पड़ेगा इस कैंडल के बाद, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि हमें एक कन्फर्मेशन की अच्छी ट्रेड मिल जाए। अब ये कैंडल का मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, एक तो सकता है इस कैंडल के बाद दोबारा एक कैंडल नीचे आ जाए, लेकिन इसके हाफ में भी आएगी तो हम अप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे, ठीक है, इसने इसको भी इंगल्फ करना है तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जरा गौर से समझ लीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आप चीज़ समझ लोगे तो आपके ही फायदा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे, ठीक है, 5-4-3-2-1, लेकिन अभी थोड़ा और, हाँ यहाँ पर 2 ले लेते हैं कि 3 लग गई हैं भाई, लग जाना यार, हाँ जी 3 लग गई हैं, ठीक है, अब ये भी हमारी इंशाल्लाह 110% प्रॉफिट रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसके हाई के पास मार्केट नहीं आना है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को 70% पर इंगल्फ किया, पूरा कवर नहीं किया इस रेड कैंडल को, चलो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, एक तो हमारे पास नीचे सपोर्ट था, दूसरा इस कैंडल को, ग्रीन वाली कैंडल ने इस कैंडल को 70% कवर किया, ठीक है, अब ये वाली कैंडल ग्रीन के लिए जानी चाहिए, अगर नहीं जाती तो हाफ में भी क्लोजिंग देती है, तो अगली कैंडल ने तो 110% ग्रीन के लिए जाना है, ठीक है, तो इसी का हमने फायदा उठाया, लेकिन ये लास्ट सेकंड में भी जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे 7-6-5-4-5-4-3 आ गया, 2-1 ये चलेगी ग्रीन के लिए, यहाँ पे क्यों जानी थी ग्रीन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस रेड कैंडल को अभी इंगल्फ नहीं किया था, इस ग्रीन कैंडल ने 70% इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया था, जिस वजह से यहाँ पे मैं इतना श्योर था ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात बता दूँ, देखो अगर तुम्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, तो तुम जितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो वो तुम्हारे लिए बेकार है। अगर तुम्हारी 4 ट्रेडें लॉस होती हैं, फिर तुम उसको रिकवर करने के लिए अपना अंदर की लालच को जगा लेते हो, तो तब भी तुम कभी भी ट्रेडर नहीं बनोगे। मेरी हमेशा बात याद रखना, यूएसडी जेपीवाई में जाकर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर तो तुम्हारे पास $10 हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग $10 से ही ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने $10 वाले लोग लॉस करते हैं इस मार्केट के अंदर। अब $10 हैं तो लोग क्या करते हैं, $1 की ट्रेड लेंगे शुरू शुरू में, ठीक है, वो प्रॉफिट हो रही है, फिर आगे भी $1 की ट्रेड लेंगे, ठीक है, ये भी प्रॉफिट हो रही है, जैसे ही $1 की एक लॉस हो जाएगी, अब उन लोगों ने क्या करना है, रुकना नहीं है, अब उन लोगों ने क्या करना है, $2 की ट्रेड लेनी है, अब $2 की भी ट्रेड लॉस होगी, अब उन्होंने उसको रिकवर करने के लिए $5 की ट्रेड लेनी है, तो भाई ये सारा आपका माइंड सेट किसे काम का नहीं रह गया, ये आप लॉस करोगे बाद में आपके पास एक ही बात रहेगी कि भाई
ये ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक लेवल है इस कैंडल के बाद, अभी ये अगर रेड के लिए आती है तो बड़ी बात है, इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, लेकिन यहाँ पे हम वेट करके एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए लेंगे, लेकिन यहाँ पे 25 सेकंड के बाद, ठीक है, नहीं मतलब कि 5-6 सेकंड हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके पास जाएगी तभी ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक तो मार्केट आई है डाउन, ठीक है, चार कैंडल में फिर एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, दैट सेड ये एक पैटर्न वर्क कर रहा है यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग एंट्री चल सकती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक और अच्छी एंट्री मिले, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं करी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, अगर तो यहाँ पे अगर तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो ये ग्रीन बनेगी। अगर यहाँ पे इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, इस कैंडल ने इस कैंडल की पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं करी, तो ये वाली कैंडल आके करेगी, अगर ये भी नहीं करती तो तीसरी कैंडल ने तो 110% करना ही करना, ठीक है, ये सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे अगर हम आए तो पीछे मार्केट का बिहेवियर देख लो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे यहाँ से फिर ऊपर। अब यहाँ पे हमने पेंडिंग पार्टी रिकवरी देखी थी लेकिन वो नहीं हुई, तो हम अगली ट्रेड को MTG वर्क करेंगे और वो 110% हमारी फॉलो होगी, लेकिन अभी यहाँ पे 15 सेकंड हम वेट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट सेकंड में इसमें नीचे आने में कोई देरी नहीं लगानी, ठीक है, वेट करेंगे। 8 7 6 5 4 3 3 3 2 2 1, ठीक है, 1 2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो हमने ट्रेड, तीन लग गई हैं अबे यार, एक तो ये थी। अब यहाँ पे 110% यहाँ पे रेड कैंडल आनी ही आनी है, जो मर्जी ये कर ले, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो पहली बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी थी लेकिन नहीं हुई, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट्स इट। अब इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये वाली जो कैंडल है, ये जो भी बन रही है, इसको रेड आना ही आना है 110%, ठीक है, ये नखरा भी करे जो भी करे, यहाँ पे इसको रेड के लिए आना ही आना है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ट्रेड ली हुई है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने फॉलो करनी होती हैं, जिन्हें फॉलो करके हमने मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना होता है, दैट्स इट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और ना ही मैंने आपको कोई मुश्किल चीज़ बताई है, ठीक है, यही चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है, फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। 5 4 3, ये लास्ट सेकंड में चेक करना, 3 2 1, और ये लो, लास्ट कन्फर्म था ना यार, इसने लास्ट सेकंड में ये हरकत करनी ही करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये विक, चलो ठीक है, हमने थोड़ा टाइम कम कर दिया, ये तीनों ही हमारी प्रॉफिट होगी, लास्ट सेकंड में इसने ये हरकत इसी वजह से करनी थी, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ऊपर से इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल ने भी नहीं की, इस कैंडल ने भी नहीं की, ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसकी अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी करके आता है, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो इसके ऊपर वर्क कर रही है चीज़, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऊपर रेजिस्टेंस बना लो, ठीक है। अब मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पे वो रेड ग्रीन बना के ऊपर जाएगी, वरना यहाँ पे इस लेवल के पास इसने रेड ग्रीन बना के आना है, ये दो ऑप्शन है। अब ये हमारे लिए किस तरह काम करेंगे, देखो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग जरा गौर से देख लो, अरे भाई रिमूव हो जाना, देखो आप एक स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहा, ओके जी, आप देखो वहां पे कोई पैटर्न वर्क कर रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे कोई दो रेड दो ग्रीन तो नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क कर रहा, फिर देखो तीन ग्रीन तीन रेड तो नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क कर रहा, फिर देखो कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, कोई हैम्बर शूटिंग स्टार, ये तो नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, इन चीजों में से कुछ ना कुछ वर्क कर रहा ही होता है मार्केट के अंदर, ये याद रखना, ये चीज़ें मार्केट के अंदर वर्क कर रही होती हैं, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के आप सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड्स लेते हैं, और यही चीज़ें आपको मैं फ्री सिखाना चाह रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो आप लोग सीख जाओ आप लोगों का अपना फ़ायदा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ ना तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, देखो मेरी पिछली वीडियो उठा लो, मेरी पिछली वीडियो उठा लो, मुझे तीन तीन चार चार महीना महीना तो लॉस ही नहीं होता, ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा ऐसा हफ्ता आता है कई दफ़ा लॉस हो जाते हैं, ये हकीकत है, कोई भी ट्रेडर इतना कोई माँ के पेट से नहीं है कि जो हर चीज़ पैदा करके ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन
रेड, ठीक है, इसके अंडर का वेट करेंगे, ठीक है, वेट करके फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम चलते हैं यूरो जेपीवाई में, ठीक है, इसके अंदर ऊपर हमारे पास है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे सपोर्ट है, ठीक है, नहीं यहाँ पे भी अभी हमें अच्छी एंट्री नहीं मिली। अभी मैं जाके आपको ओटीसी के बारे में एक दो ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओटीसी भी रियल मार्केट की तरह ही सेम चल रही है, रियल मार्केट की ही तरह सेम चल रही है। क्यों चल रही है? देखो ग्रीन रेड रियल मार्केट के अंदर भी है और ओटीसी में भी ये ग्रीन रेड कैंडल। अब यहाँ पे बिगनर बड़ा ट्रैप होता है, बहुत ट्रैप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पे बिगनर को लग रहा था ना वहां पे सब उल्टा हो जाता है। यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, ठीक है, यहां पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है। उसके बाद अगर आप हम पीछे जाएंगे तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, यहां पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, ठीक है। अब बिगनर को इन चीजों का आइडिया ही नहीं है, वो रियल मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही लगा हुआ है। भाई वो मार तो खाएगी ना, मार तो खाएगी, होगा मार खाएगा वो, उसके साथ ये गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसी मार्केट ढूंढनी है जो के हमारे लिए पैटर्न को फॉलो करती जा रही हो। देखो ओटीसी अगर 10 कैंडलों की तरह ठीक चल रही है तो 10 कैंडलों के बाद वो एक आधी एरर कैंडल देगी, उसके बाद वो बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी। आपने उन 10 कैंडलों को इग्नोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, वेट करके यहाँ पे हमने अप ट्रेंड की एंट्री लेनी है। लेकिन अगर ये कैंडल रेड के लिए आएगी तो ये अगर इतनी इसके बीच में होगी कवर तो हम पेंडिंग पार्टी रिकवरी के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी सेकंड पड़ेंगे क्योंकि ओटीसी लास्ट सेकंड में बहुत बड़ी कैंडल बना देती है, ठीक है, तो हम उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारे लिए वेट ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आ गई एक, ठीक है, यहाँ पे ये दो दो हमने अप ट्रेंड की एंट्री ली है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग पार्टी रिकवरी को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसके हाई के पास है, इसके बीच में आनी चाहिए। लेकिन ये ओटीसी मार्केट है, लास्ट सेकंड में बदल जाए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड और अच्छी एनालाइज कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन जिस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, जिस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, दैट्स इट। कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं बताई, ओके जी, क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम पीछे से एनालाइज करके आए तो यहाँ पे दोस्तों देखो, एक दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड, ये देखो इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो चुकी है, ठीक है, दैट्स इट। जिसके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ली थी, एक दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक रेड आई है, यहाँ पे तीन कैंडल ग्रीन के बाद एक रेड आई है। अब जब आप पीछे से बैठोगे ना, कितने कैंडलों के बाद कौन सी कैंडल आई है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई, ये इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। जिसके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ली वो प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब ये यहां से डाउन आया, फिर अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बीच में पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है और मुझे कंफर्म हो चुका था कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। मुझसे कुछ लोग भाई पूछ रहे थे कि यार अली भाई, पेंडिंग पार्टी रिकवरी की आपकी वीडियो की समझ आ रही है, अभी हमें ये प्रॉफिट होगी, अभी हमें ये बता दें कि हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। मेरी बात को जरा गौर से समझ लो, किसी टाइम फ्रेम पे नहीं। आप देखो ना, यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो, एक मिनट की कैंडल है, एक मिनट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या एनालाइज किया, आपने मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड लेनी होती है। मार्केट ऊपर गई है, नीचे गई है, अब अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ये कैंडल बनने का मकसद ही क्या है? ना तो सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, या तो ओटीसी में इतना हैवी वर्क नहीं करता। तो जहरी बात है, इस रेड कैंडल को देख के ओटीसी ने लोगों को ट्रैप करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड में रेड कैंडल बनी है और लोगों ने सेलिंग का प्रेशर देख के यहाँ पे सेल कर देना और कैंडल ने ऊपर जाकर पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर देनी है और उनका लॉस हो जाना है। समय लगी मेरी बात, यही हकीकत है, यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ कि यार आप लोग जितने इतने लॉस करते हो या लोगों को पैसे देते हो और बहुत सारे लोग अपने हैंडल लोगों को अपने अकाउंट के हैंडल करने के लिए दे देते हैं, ले भाई मेरा अकाउंट हैंडल कर दे, और फिर वही लोग हमारी वीडियो में आके बैड कमेंट कर देते हैं। भाई अगर जो बैड कमेंट करने वाले होते हैं ना, बस एक दो ही बंदे थे, बाकी सब फैमिली अच्छी है मेरी, बस वो एक दो बंदों को बोलूँ कि मेरा भाई ट्रेडिंग को छोड़ो, आप जाओ कोई काम धंधा करो, यार यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोगों को, कोई बोलता है यार आपको समझ नहीं आ रही, आप साइड पे हो जाओ, जिनको समझ आ रही है वो फायदा ले रहे हैं। इतनी आवाज में चीख चीख के बताता हूँ यार ये सीख लो, ये फ्री सिखा रहा हूँ भाई, तुम्हारा ही फायदा है, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, लेकिन दिल टूट जाता जब दो लोग भी कमेंट करते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, बाकी आप सब भाइयों की दुआ रही तो इंशाल्लाह मैं आपको और ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बताता जाऊंगा। बाकी आपने कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में और तगड़ी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी आप और दूसरी बात बता दूँ,
अगर आप हमसे डिपॉजिट और विड्रा करवाना चाहें तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। ये जो आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे इस टाइटल पर क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डिपॉजिट और विड्रा करवा सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।